आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं वल्लभ नगर धरियावद विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत आज दोनों विधानसभा क्षेत्रों के तूफानी दौरे पर हैं। धरियावद के लसाड़िया में सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम गहलोत झल्लारा और वल्लभ नगर के मुहाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। अब सीएम गहलोत वल्लभ नगर कुरावड़ पहुंचे हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री के दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का दिन है और धरियावद में चुनाव प्रचार करने के बाद वल्लभ नगर भी पहुंचे। हालांकि अभी एक दो सभाएं हैं जिनको संबोधित करेंगे, लेकिन जनता से उन्होंने कांग्रेस को जिताने की अपील की और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों सीटों की जनता इस बार कांग्रेस को ही आशीर्वाद देगी, कांग्रेस को जिताएगी। तो झल्लारा और मुहाना भी पहुंचे, वल्लभ नगर के मुहाना पहुंचे धरियावद के बाद, जहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की अपील की है। अब सीएम गहलोत वल्लभ नगर कुरावड़ पहुंचे हैं, जहां पर वो कुछ देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये झल्लारा की तस्वीरें हैं। मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कुछ देर में यहां पर संबोधन भी होगा। और इन्होंने यानी मुख्यमंत्री की तरफ से साफ जनता से अपील की गई है कि कांग्रेस की सरकार है और विकास का काम कांग्रेस की ही सरकार कर रही है। ऐसे में यहां की जनता से पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस को आशीर्वाद मिलेगा। कई जनसभाएं जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे झल्लारा में हैं, और झल्लारा में फिलहाल कुछ देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अपने चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री ने इसके पहले क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए थे नौकरी देने के, हमने यहाँ 1,00,000 नौकरी दे चुके हम तो यहाँ तो और भी चल रहा, रोज के प्रोग्राम आ रहे हैं हमारे नौकरी के, ये क्या कर रहे हैं। तो पानी हो चाहे बिजली हो चाहे शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें, स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किए उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। रोज गैस का सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा होता था, 100 का पार हो गया। और पहले विपक्ष में थे तो हम लोगों को ये कहते थे, आरोप लगाते थे 60 रुपया पेट्रोल क्यों हो गया है, अब तो 110 रुपये पेट्रोल क्यों हो गया, हम पूछते हैं उनसे, कोई जवाब है उनके पास में? कोई जवाब नहीं है। खूबसूरत व्यवस्था लोकतंत्र की है देश के अंदर, जहाँ पर आम आदमी गरीब का मान सम्मान होता है। हम चाहे मुख्यमंत्री हैं चाहे प्रधानमंत्री हैं, MLA है, MP, सबको पैरों का हाथ लगाना पड़ता है गरीबों के, वोट मांगने का आशीर्वाद मांगना पड़ता है, आशीर्वाद दो। इस बार आप आगे निकाल दो कांग्रेस, फिर आप मेरे पे छोड़ दो, क्या है मुझे करना दसहरिया के लिए। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा और ये चुनाव जीत के जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। पूरे हिंदुस्तान के किसान लोग इस बात को लेकर बहुत आक्रोश में हैं कि एक साल हो गया आप मना नहीं पाए किसानों को, आप या तो कन्विंस उनको करते या खुद कन्विंस होते, यही होता है लोकतंत्र में, वो क्यों नहीं हो रहा भाई। अब सर्दी और ऊपर से आ रही है तो मैं बहुत, मुझे बहुत दुख है कि भारत सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है, नौजवानों पर ध्यान नहीं दे रही है, आम जनता पर ध्यान नहीं दे रही है, जब महंगाई बढ़ती जा रही है तो फिर वो किस पर ध्यान दे रहे हैं। प्रतापगढ़ के धरियावद विधान